अदनान वल्दजीशान अहमद को अदालत बाइज़्ज़त बरी करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जीशान अहमद के घर की खुशियां लौटा दी। ख़जाने के मुंह खोल दिए गए। एडवोकेट को इनाम इकराम से नवाजा गया। मिसेस जीशान ने शुक्राने के नवाफिल पढ़े। ये सब वकील के सबब हुआ और एक कातिल दोबारा मुआशरे का मुअज़्ज़ज़ शहरी कहलवाने का हकदार हो गया। मगर वो जो समीउ बसीर है, इसने सब देखा। इससे तो कुछ भी छुप नहीं सकता और कातिल के अमाल नामे में कत्ल ही लिखा गया। लोगों, हम अपनी किताब ज़िंदगी के मुसन्निफ़ खुद हैं। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स की किताब में एक हरफ का इजाफा भी नहीं कर सकता। अगर हम अपनी किताब अच्छी लिख लेंगे तो जन्नतुल फिरदौस का आला मुकाम पाएंगे, वरना दोजख का बदतरीन मुकाम मंजिल बनेगी। दुनिया में दुनिया वालों को धोखा देकर रिहाई की सूरत वकील निकाल देगा, मगर वहाँ हाथ पांव बोलने लगेंगे तो बचत की कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी। तो आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि अपनी अपनी किताब ज़िंदगी को हुस्न अखलाक और इस्लामी असूलों से मुज़य्यन करें, ताकि दो जहानों के बादशाह के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। शुक्रिया।